नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है न्यूज़ 21 राजस्थान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस में हम कोशिश करते हैं कि नागौर जिले की हर जरूरी खबर के साथ साथ आपके लिए जरूरी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और मौसम विज्ञान की भी जानकारी हम आपके बीच में रोज लेकर आएँ। यही क्रम लगातार जारी है। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। झांसा देकर 21 लाख रुपए की ठगी करने के गिरोह के दो सह आरोपियों को रोल पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुपए को दोगुना करने के नाम पर देते थे झांसा और करते थे बड़ी ठगी। 18 नवंबर को रोल थाना क्षेत्र में भी 21 लाख रुपए की ठगी कर मुख्य आरोपी हुए फरार। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशन में जायल CEO व रोल थाना अधिकारी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के दो सह आरोपियों को किया है गिरफ्तार। रोल थाना अधिकारी रामनिवास ने बताया कि जोरावरपुरा निवासी अंडाराम ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि बीते 17 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे अहमदाबाद निवासी परवेज खान, सीहोर निवासी योगेश व दो अन्य आरोपियों ने रुपए को दोगुना करने के नाम पर प्रार्थी सहित तीन अन्य लोगों से 21 लाख रुपए की ठगी कर हुए फरार। प्रकरण दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए रोल थाना पुलिस ने प्रवेश तथा योगेश को कस्बे रोल में किया गिरफ्तार, जिसे न्यायालय में पेश कर 7 दिन के लिए PC रिमांड पर किया है प्राप्त। दो अन्य आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार करने हेतु गठित टीम को जोधपुर के लिए किया है रवाना। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा। घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में देखने को मिली विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि काश प्रधानमंत्री समय पर संज्ञान लेकर किसानों के दर्द को समझते तो आंदोलन में सैकड़ों किसानों को नहीं देनी पड़ती शहादत। उन्होंने कहा कि RLP पार्टी लंबे समय से संघर्ष करते हुए किसानों की आवाज़ को कर रही थी बुलंद। सांसद ने ट्वीट कर PM को किसान आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों के परिजनों के लिए कुछ घोषणाएं करने की ज़रूरत बताते हुए समर्थन मूल्य पर खरीद करने का कानून बनाने की मांग को दोहराया। वहीं देश भर में अलग अलग संगठन एवं राजनीतिक दलों ने फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएँ देते हुए इसे बताया UP चुनाव के लिए योजनाबद्ध फैसला, तो किसी ने जमकर की तारीफ। कुचामन सिटी अखिल भारतीय किसान सभा के कॉमरेड अब्बास खान ने कहा कि अभी ज़्यादा उत्साह दिखाने की नहीं है ज़रूरत, संघर्ष रहेगा जारी। उन्होंने बताया कि 3 कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने की कार्रवाई नहीं होने तक किसानों के समर्थन में जाएंगे शाहजहानपुर बॉर्डर। साथ ही MSP की गारंटी कानून बनने तथा मौजूदा 3 कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के लिखित समझौते के बाद ही आंदोलन को किया जाएगा समाप्त। जायल के खेल स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता हुई संपन्न। अपेक्षा ग्रुप अजमेर के सौजन्य से जिला स्तरीय 18 व 20 आयु वर्ग जूनियर पुरुष व सीनियर महिला व पुरुष वर्ग में विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रशंसा पत्र देकर किया गया सम्मानित। समारोह में अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर सुनील कुमार जांगीड, जायल विकास समिति अध्यक्ष रामस्वरूप कांकाणी, जिला एथलेटिक संघ उपाध्यक्ष कैप्टन सीताराम बासठ सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता से गुरु रविदास की जन्मस्थली चक हकीम फगवाड़ा पंजाब तक निकलने वाली सांझी वाल्ता यात्रा का नागौर जिला मुख्यालय पर हुआ आगमन। विभिन्न संगठनों एवं श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करते हुए संत शक्ति का प्राप्त किया आशीर्वाद। गुरु नानक जयंती के अवसर पर मेड़ता से प्रारंभ हुई यात्रा नागौर पहुंचकर धर्मसभा में हुई परिवर्तित। पुष्प वर्षा एवं आध्यात्मिक उद्घोष के साथ सेवा भारती लघु उद्योग, भारत विकास परिषद, राष्ट्र सेवा समिति, विद्या भारती, बजरंग दल, शारदा बाल निकेतन, पूर्व छात्र परिषद सहित भारतीय जनता पार्टी व भारतीय किसान संघ सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने भी शहर के प्रमुख चौराहों पर किया स्वागत।
कल जिला कांग्रेस कार्यालय में नागौर ब्लॉक कमेटी द्वारा पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान अशरफी लांबा की उपस्थिति में ब्लॉक अध्यक्ष सरफराज खान की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती को मनाया गया। समारोह पूर्वक छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर ब्लॉक महामंत्री गजेंद्र चंदेल के स्वर्गवास होने पर भी 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, किसान जिला अध्यक्ष भंवरलाल सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे उपस्थित। वहीं मेड़ता रोड में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई जयंती। छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रखी गई श्रद्धांजलि सभा। कांग्रेस सेवा दल के सह सचिव चिरागुद्दीन पिंजारा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण नहीं करने को लेकर भी किया संबोधित। छोटी खाटू कस्बे की प्री स्टार स्कूल में कल आवाज़ 2 मोबाइल एप्लीकेशन एवं शिकायत पेटिका के जरिए महिला एवं बालिका सुरक्षा के लिए छात्राओं को किया गया प्रशिक्षित। खुनखुना थानाधिकारी धर्मपाल मीणा व विद्यालय प्रधानाचार्य रोहित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के तहत महिला कांस्टेबल गीता जाखड़ ने बालिकाओं को किया प्रशिक्षित। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं छात्राओं के साथ होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया है आधुनिक नवाचार। सोशल मीडिया पर आईफोन के लुभावने ऑफर देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को अजमेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के 17 राज्यों के करीब 160 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को किया कबूल। रियाबड़ी क्षेत्र के आरोपी भरत को गिरफ्तार कर की गई सघन पूछताछ तो उगला सच। 21 वर्षीय आरोपी ने अब तक 3 करोड़ की कर ली है ठगी। विभिन्न कंपनियों के जरिए लुभावने ऑफर देकर आईफोन की जगह बेचता था डैमेज मोबाइल। प्रदेश में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कवायद हुई शुरू। प्रदेश के 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को संगठन में मिली विभिन्न जिम्मेदारियों के बाद एक पद एक व्यक्ति के अनुपालना में इस्तीफे की गई पेशकश। डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात, हरीश चौधरी को पंजाब और गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान में संगठन में मिली है जिम्मेदारियाँ। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने दिया बड़ा बयान। अब तीनों नेता संगठन में निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। इसे लेकर मंत्रिमंडल पुनर्गठन के मिल रहे हैं संकेत। राज्य में जल्द हो सकता है पुनर्गठन। 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 जगह हो गई है खाली। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ और मंत्रियों को भी हटाए जाने की जताई जा रही है आशंका। कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन नागौर शहर में बडलेश्वर बगीची प्रताप सागर में देव दिवाली मनाई गई धूमधाम से। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गौरीशंकर पुरोहित की अगुवाई में 2100 बड़े दीपक प्रज्वलित कर मंदिर परिसर में रोशनी करने के साथ ही प्रताप सागर तालाब में किया गया दीपदान। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संत जानकीदास महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। वहीं नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी उपस्थित होकर प्राप्त किया आशीर्वाद। शहर से पार्षदगण एवं अन्य गणमान्य महिला पुरुषों के साथ महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में लिया भाग। छोटी खाटू कस्बे के निकटवर्ती बावरियों की ढाणी में विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना के तहत नवीन कनेक्शन देने के कार्य का विधायक चेतन रूडी द्वारा किया गया शुभारंभ। विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं विधायक ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बताया कि विद्युत कनेक्शन से वंचित गरीब परिवारों को 500 रुपये एवं BPL परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने के साथ ही बांटे जा रहे हैं LED बल्ब। विधायक ने विभाग के अधिकारियों से और अधिक सर्वे करते हुए अन्य परिवारों को भी लाभान्वित करने का किया आग्रह। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर छात्रा की अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में मेड़ता रोड थाने में दर्ज हुआ मामला।
जारोड़ा निवासी प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री की इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर गांव के ही एक लड़के द्वारा अन्य साथी के सहयोग से अश्लील फोटो की जा रही है अपलोड। साथ ही स्कूल जाते समय भी आरोपी पुत्री के साथ अश्लील हरकतों से करते हैं परेशान। बीते कई दिनों से छात्रा के गुमसुम रहने के कारण घरवालों ने छात्रा से कारण पूछा तो उसने बताई आप बीती। पुलिस उपाधीक्षक मेहता के हस्तक्षेप के बाद मेहता रोड थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई शुरू। कुचामन सिटी बस स्टैंड स्थित एटम क्लासेस की छात्रा श्रेया ने जेट में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब ICR परीक्षा 2021 के परिणाम में भी 99.57 अंकों के साथ संपूर्ण भारत में कैटेगरी वाइज प्राप्त की है पहली रैंक। इसे लेकर संस्थान व शहर में दौड़ पड़ी है खुशी की लहर। संस्थान के निदेशक श्री राम स्वामी ने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली श्रेया ने लगन और उत्साह के साथ तैयारी करते हुए कृषि विज्ञान संकाय की सभी परीक्षाओं में दिया है उत्कृष्ट परिणाम। कल ICAR परीक्षा के रैंक घोषित होने के बाद संस्थान में मुंह मीठा करवाकर मनाया गया पर्व। हाल ही में सांबर झील के किनारे मृत मिले दर्जनों कौओं की सूचना पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम ने सांबर झील का किया सर्वे। सर्वे में नहीं देखे गए अन्य प्रवासी मृत। ऐसे में पक्षियों की मृत मिलने को बताया गया सामान्य मौत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडवा में आयोजित राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की जिला स्तरीय बैठक में जिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव अधिकारी मानाराम ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए व्याख्याता पवन मांझू को बनाया गया निर्विरोध जिलाध्यक्ष तथा व्याख्याता नानूराम घोटिया को जिला मंत्री, व्याख्याता पुष्पा सोनी को जिला महिला मंत्री, व्याख्याता शैतान सिंह गावड़िया को जिला उपाध्यक्ष, व्याख्याता भंवरलाल गुर्जर को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध किया गया निर्वाचित। कार्यक्रम में अंबुजा सीमेंट की ओर से मुख्य अतिथि गौरव खंडेलवाल एवं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अनूप शेखावत सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। निर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम कुरडाया में स्थित बालाजी गौशाला में कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सेवा के तहत गो भक्तों ने गायों को खिलाई लापसी। जन सहयोग से सवा कुंटल की बनाई गई थी गौशाला में लापसी। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। कार्यक्रम को लेकर यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अथवा स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने गाँव कस्बे की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि न्यूज़ 21 राजस्थान को किसी विशेष कार्यक्रम को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर, कुछ विशेष पक्ष को लेकर कार्यक्रम चलाना चाहिए तब भी आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।